हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी के अपडेट के बारे में। बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। लेकिन आगे से बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए बात करते हैं जवान मूवी के बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैंस हैं और इसका ट्रेलर तो सभी ने देख लिया। जब 4 साल बाद पठान मूवी रिलीज की गई है शाहरुख खान के द्वारा, तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फ्रेंड्स, मास एंटरटेनर मूवीज आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, और ऐसी ही मास एंटरटेनर मूवी बनाई गई शाहरुख खान के द्वारा पठान मूवी, और जिसका रिजल्ट हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास कलेक्शन इसका जाने वाला है। और अब हम बात करेंगे जवान मूवी के बारे में। जवान मूवी जो कि शाहरुख खान की आने वाली नेक्स्ट मूवी थी, और वो जिसका ऑफिशियल रिलीज जून को सोचा गया था प्रोड्यूसर्स के द्वारा, लेकिन फ्रेंड्स अभी इस जवान मूवी को कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, और ये शाहरुख खान के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छी खबर नहीं है, दुख वाली खबर है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपको अच्छी खबरें भी, उसकी भी अपडेट्स देंगे। अच्छी खबरें भी हैं जवान मूवी के लिए। फ्रेंड्स, पठान मूवी की इतनी बहुत बड़ी सक्सेस के बाद जवान मूवी के मेकर्स इस पर पूरी जी जान लगा रहे हैं और इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते कि किसी तरह से भी ये मूवी कम पड़ जाए शाहरुख खान के फैंस के लिए। और इसमें हमें बहुत बड़े बड़े कैमियोज भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसका विलन का रोल भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। फ्रेंड्स, जवान मूवी के मेकर्स इसके VFX पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और इसके VFX हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, जो कि न्यूज अपडेट से पता लग रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम ही है, इस जवान मूवी में जो हमें विलन के रोल में नजर आने वाले हैं वो है विजय सेतुपति। और इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसके अकॉर्डिंगली अल्लू अर्जुन को कांटेक्ट किया गया है इस मूवी के लिए। और ये न्यूज़ फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि हमें इस मूवी में अल्लू अर्जुन का भी कैमियो देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए, अगर अल्लू अर्जुन भी इस मूवी में हमें देखने को मिलते हैं तो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रहने वाली है। विजय सेतुपति को तो हम विलेन के रोल में देखेंगे ही, इसके साथ साथ थलापति विजय का भी हम पहले भी सुन चुके हैं कि उनका भी एक कैमियो रहने वाला है इस मूवी में। तो फ्रेंड्स, अगर इतने बड़े स्टार्स इस मूवी में आएंगे तो फ्रेंड्स आप सोचिए यह मूवी कितना बड़ा धमाल करेगी। अभी तो पठान मूवी में अकेले शाहरुख खान आए थे और उन्होंने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया, और थलापति विजय, विजय सेतुपति जो अपने इंडिविजुअल बेसिस पर फिल्म्स निकालते हैं तो उसमें भी ये काफी अच्छा कलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि जब बॉलीवुड और साउथ का जब कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा, और जब ये मूवी पैन इंडिया रिलीज होगी, तो फ्रेंड्स ये सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और आजकल साउथ, हम वैसे भी ट्रेंड देख ही रहे हैं कि साउथ वाले बॉलीवुड के एक्टर्स को ले रहे हैं, और बॉलीवुड वाले आजकल साउथ वालों को अपनी मूवीज में लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्मों को चलाया जाए। और फ्रेंड्स, अगर इस मूवी की रिलीज की बात करें तो फ्रेंड्स ये मूवी शायद हमें नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकती है, लेकिन दिसंबर में ऑलरेडी उनकी मूवी डंकी प्लान्ड है, जो कि क्रिसमस के आसपास रिलीज की जाएगी। तो अगर सूत्रों के हवाले से खबर इसकी रिलीज की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमें नेक्स्ट ईयर जनवरी में देखने को मिल सकती है, जैसे कि इस साल हमने पठान मूवी देखी है जनवरी में जो रिलीज की गई। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही अपडेट था जवान मूवी का। आपको फ्रेंड्स ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।